Hello students, I am Shrishta Chaurasia, your social science teacher. I think you all have been started your studies with the online classes given by us. I am teaching you first chapter that is the sources of knowing history. What is history? First of all, we see what is history. Actually, history, the another word of history is itihas. Itihas has been derived from Sanskrit language, which means the event of the past times. History actually जो past में जो बीत गई हैं चीज़ें उसके बारे में उस चीज़ों को history कहा जाता है. History is an account of important event or fact and origin of human being. तो history जो है वो सारा account है जो important events हुए हैं या किस तरीके से हुए हैं, क्या घटनाएं घटी हैं या किस तरीके से ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ है. हिस्ट्री टीचर्स अस अबाउट द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन और किस तरीके से लोगों ने का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से हम पास्ट में रहते थे और अब उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, इन सब के बारे में की जानकारी ही हिस्ट्री कहलाती है कि पहला का टाइम कैसा था और अब का टाइम कैसा था, ताकि हम लोग उसको इजीली कंपेयर कर सकें. नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब हमें हिस्ट्री के बारे में एक्चुअल में पता कैसे लगता है, बिकॉज ऑफ सम सोर्सेज. सोर्सेज यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जो चीज़ें हमें मिली हैं जिनके थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल archaeological sources and literary sources. archaeological sources का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो हमें खुदाई के दौरान जो archaeologists हैं उनको खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं पुरानी चीज़ें, ठीक है, उसे archaeological sources कहा जाता है. and literary sources are called the written records. ठीक है, written records जितने भी लिखे हुए records मिले हैं उन्हें रिटन लिटरेरी रिकॉर्ड्स कहा जाता है, सोर्सेज कहा जाता है. नाउ फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी. व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ रिमेन ऑफ द पास्ट. आर्कियोलॉजी उस स्टडी को कहते हैं, उस तरीके की पढ़ाई को कहते हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके के पास्ट की चीज़ें हैं उसको समझा जाए और कितने साल पुरानी है ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाएँ. आर्कियोलॉजिस्ट लोकेट द uncover sources of evidence of past people. This can include. अब archaeologists जो हैं वो करते क्या हैं, जितने भी sources रहते हैं जो evidence मिले हैं उसे uncover करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं. अब उसमें क्या क्या चीज़ें include होती है? First is skeleton remain. Skeletal का मतलब होता है जितनी भी dead bodies bones हैं उसकी study करना. उसी की वजह से हमें पता चला है कि डायनासोर जैसी बिग जायंट एनिमल्स भी इस अर्थ पे मौजूद थे. ठीक है, उनके स्केलेटन मिले थे तभी उन डायनासोर्स के बारे में हमें पता लग पाया, अदरवाइज नहीं पता लगता. सेकंड, द रुइन ऑफ बिल्डिंग्स एंड टूम्स. और जितनी भी बिल्डिंग्स की जो मलबे मिले हैं, जो टूटे हुए स्ट्रक्चर्स मिले हैं, उन सबसे पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगता है. आर्टिफैक्ट. नाउ व्हाट इज़ आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट मीन्स जितनी भी पुरानी पॉटरीज हैं, मीन्स वेसल्स हैं, बर्तन हैं, मटके घड़े वगैरह, वेपन्स, हथियार, टूल्स, औजार एंड कॉइन्स, इन्हें आर्टिफैक्ट बोला जाता है. तो ये जब खुदाई के दौरान में ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ईयर्स भी मैंशन है. ठीक है, कुछ के ऊपर ईयर्स मैंशन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू वो लोग पता लगा लेते हैं कि वो कॉइन कितना पुराना होगा. इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन कर्विंग. अब स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन कर्विंग की गए हैं, मीन्स खोद के उस पे लिखे गए हैं, उसके थ्रू रबिश डम्स दैट मीन्स कि कुछ पुरानी चीज़ें ऐसे ही डंप की हुई, फेंकी हुई तो नहीं कहना चाहिए, जो बरेड हो चुकी है ज़मीन के अंदर, उन सब चीज़ों से. ठीक है, हियर आर सम पिक्चर्स मैंने कलेक्ट करी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजी हो जाए बताना कि किस तरीके की पुरानी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें देखने को मिलती हैं.
ये वो चीज़ें हैं जो बरिट की भी मिलती है। और ये जो लास्ट वाला था, ठीक है, नाउ लिटरेरी सोर्सेज, हिस्ट्री इज नॉट अ रिकॉर्ड ऑफ ओनली द रूलर्स। हिस्ट्री सिर्फ वो ही रिकॉर्ड नहीं है जो रूलर्स का होता है, ठीक है, जो उस समय शासन किए हुए लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड नहीं होता है। इट इज़ मोस्टली एन अकाउंट ऑफ द पीपल्स लाइफ एंड लिविंग। इवन उनमें लिटरेरी रिसोर्सेज के अंदर जो लोग उस टाइम पे रहते थे, किस तरीके से रहते थे, उनकी दिनचर्या किस तरीके से होती थी, उस सबका रिकॉर्ड होता है। द लिटरेचर ऑफ एवरी टाइम इज लाइक अ मिरर ऑफ दैट टाइम। तो जो लिटरेचर होता है हर वक्त का, लाइक अभी का ले लो, पास्ट का ले लो, ये एक मिरर होता है, एक आईने की तरह होता है जो उस टाइम के बारे में हमें साफ बता देता है। मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल आर नोन फॉर लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज हमें इवन उनकी मेंटल और सोशल कंडीशन के बारे में पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या सोचा करते थे, किस तरीके से सोचा करते थे, उनकी इच्छा क्या होती थी, एंड उनकी सोशल कंडीशन किस तरीके से होती थी, वो लोग किस तरीके से रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरीके का बिजनेस या किस तरीके का व्यापार वो लोग किया करते थे। नाउ लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है रिलीजियस, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, जो उस टाइम के हमारे रिलीजन हुआ करते थे, उसके रिकॉर्ड्स, एंड सेक्युलर। सेक्युलर के अंदर आता है ट्रैवल मेमोरीज। ट्रैवल मेमोरीज का मतलब होता है कि उस समय जितने भी बाहर से ट्रैवलर्स आए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने इंडिया के बारे में क्या सोच के, क्या समझ के उन्होंने लिखा है, ठीक है, उन्होंने हमारे कल्चर के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में जो भी चीज़ लिखी है। बायोग्राफीज़, कुछ बायोग्राफीज़ जो फेमस लोग थे उन्होंने अपने बारे में, उनके शासन में किस तरीके से रहा है उसके बारे में लिखा है। देन कुछ में स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने प्लेज, ड्रामास, पोएम लिखे हैं। देन ट्रीटीज एक्सेट्रा, ये सारे रिकॉर्ड्स हमें लिटरेरी सोर्स में मिलते हैं। नाउ रिलीजियस टेक्स्ट। अब रिलीजियस टेक्स्ट क्या क्या थे? रिलीजियस टेक्स्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति के अंदर आता है ब्राह्मणा, आरण्यक, उपनिषद, संहितास, ठीक है, जिसके अंदर मंत्र होते हैं। स्मृति के अंदर सूत्र आते हैं, पुराण आती हैं, रामायण आती है, मनुस्क्रिप्ट आती है, महाभारत और श्रीमद् भागवत, ये सारे रिलीजियस रिकॉर्ड्स में हैं। नाउ भीमबेटका एक्चुअल में भीमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश हैज द बिगेस्ट एंशिएंट रॉक पेंटिंग इन द वर्ल्ड। भीमबेटका जो कि भोपाल के पास में है और मध्य प्रदेश के अंदर है, इसे सबसे बड़ा रॉक पेंटिंग माना जाता है एंशिएंट टाइम का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ अबाउट 1 लाख ईयर्स ओल्ड। और ये जो रिकॉर्ड है ये एक्चुअली 1 लाख ईयर्स पुराना है, ठीक है। दिस प्लेस इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड ऑफ हेरिटेज लिस्ट। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का मतलब होता है कि देश की धरोहर, ठीक है, तो इसे देश की बड़ी धरोहर की लिस्ट के अंदर रखा गया है। और भीमबेटका को एक्चुअल में पद्मश्री डॉक्टर V.S. वेंकरकर ने पहले एक्सप्लोर किया था, ढूंढा था। हियर आर सम पिक्चर्स, इस तरीके की पेंटिंग्स हैं जो भीमबेटका में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो ये तो था स्टडी आपका, फुल चैप्टर मैंने इसमें कवर किया है, सोर्सेज ऑफ नोइंग हिस्ट्री, ठीक है। अब आपकी कुछ भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, इफ एनी ऑफ द टॉपिक यू हैव नॉट अंडरस्टैंड, देन यू कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप कुछ भी क्वेरीज अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। एंड वंस अगेन आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज स्टार्ट योर स्टडीज, ओके, थैंक यू।